दोस्तों, जिस तरह से साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री पूरी तरह से छाई हुई है, या जो कह लीजिए टॉलीवुड पूरी तरह से छाया हुआ है, हर कोई इन्हीं के बारे में बात कर रहा है, चाहे वो प्रभास हो, आलू अर्जुन हो, यश हो, जूनियर एनटीआर हो, या रामाचंद्रन हो, और इनकी फिल्मों के बारे में ही बात कर रहा। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री तो ऐसे गुम हो गई है जैसे गधे के सिर से सींग। लेकिन आज हम जिसकी बात कर रहे हैं वो है इन सबके बाप, उम्र के हिसाब से भी और फिल्मों के हिसाब से भी। जी हाँ, आज हम धर्म जी के बारे में बात कर रहे हैं, धर्मेंद्र जी के बारे में बात कर रहे हैं, और उन्होंने गदर 2 के बारे में क्या बोला ये भी बात कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, इससे पहले मैं ये सब कुछ बताऊं, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का घंटा भी बजाना ना भूले, ताकि आपको मेरी आने वाली नई वीडियो मिल सके। धर्म जी एक छोटे से गांव सान पंजाब में सानेवाल है, वहां से निकल के बॉम्बे इंडस्ट्री में राज किया। उन्होंने 300 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया और उन्होंने अपना फिल्मी सफर 1960 में दिल भी तेरा हम भी तेरे से शुरू किया, जो कि एक बिलो एवरेज फिल्म थी। उन्होंने 20 से भी ज्यादा फिल्मों में काम कर लिया था 1965 तक, लेकिन उनको जो सही पहचान मिली वो थी फूल और पत्थर, जो 1966 में आई थी, और उसके बाद धर्म जी ने कभी मुड़ के नहीं देखा। धर्म जी 86 साल के हो चुके हैं, लेकिन आज भी बहुत एक्टिव है और बहुत सी फिल्में कर रहे हैं, जिनमें अपने 2 जो कि जल्दी ही रिलीज होने वाली है। दोस्तों, धर्म जी ने 100 से भी ज्यादा सुपर हिट और ब्लॉकबस्टर फिल्में दी है, जो कि आज तक रिकॉर्ड है। इससे ज्यादा किसी ने भी फिल्में हिट नहीं दी है। अभी उन्होंने अपना एक विचार रखा है हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के बारे में और गदर 2 के बारे में। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के बारे में उन्होंने क्या रखा और गदर 2 के बारे में क्या रखा, ये सुनिए। धर्म जी ने फिल्मों के बारे में बोला कि हम लोगों ने रीमिक्स ही बनाई और कुछ नहीं किया, और जिसके कारण हमारी ये हालात हुई है। हम क्रिएटिव नहीं रहे, हमने कोई अच्छी अच्छी फिल्में नहीं बनाई जिससे लोगों को मैसेज जा सके। हमने मैसेज ऐसा दिया, साउथ इंडियन फिल्मों को हमने हिंदी में कर लिया और दर्शकों के सामने पेश कर दिया और गानों को रीमिक्स कर दिया। हम अभी भी पान पराग और पान मसाला और ये सारे ऐड कर रहे हैं, जिससे लोगों के ऊपर गलत मैसेज आ रहा है। लेकिन हमें मालूम है कि ये जो गदर 2 बन रही है, ये एक नई स्टोरी है और अनिल की प्रतिभा पे हमें गर्व है। अनिल बहुत ही अच्छे डायरेक्टर है और उनको मालूम है उन्होंने सनी देओल को कैसे यूज करना है। उन्होंने देखा था गदर 1 जब बनाई थी तो सनी देओल को 4-4, 5-5, 10-10 टेक लेते थे और उसके बाद एक सेलेक्ट करते थे, और एक बढ़िया सीट जब तक सामने नहीं आता था तब तक वो आगे नहीं स्टोरी को बढ़ाते थे, और इसी तरह ये अभी भी कर रहे हैं। उम्र के बढ़ने के साथ साथ इनका एक्सपीरियंस भी बढ़ गया, और उम्मीद करता हूं ये गदर जो 2 आएगी ये सबसे बढ़िया फिल्म होगी और ये भी रिकॉर्ड तोड़ेगी। हाँ, हमें इसको और भी लैंग्वेजेस में बनाना चाहिए ताकि ये साउथ में जाए, ये देशभक्ति की फिल्म है। तो दोस्तों, आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? आपको क्या लगता है कि क्या ये गदर 2 रिकॉर्ड तोड़ेगी सबके, जैसे कि सबकी जुबान पे इस समय गदर 2 चढ़ी हुई है, हर कोई इसको वेट कर रहा है ताकि हमारी कहीं इज्जत बच जाए। मैं एक नए वीडियो के साथ दोस्तों फिर आऊंगा, तब तक के लिए कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का घंटा बजाना ना भूले, ताकि आपको मेरी आने वाली नई वीडियो मिल सके।